hello kids good morning beta how are you i hope that you all are fit and fine at your homes let us start our subject english dear kids yesterday in our english class we have started lesson number 6 so today we will continue that chapter and will read its next portion so open my english reader book at page number 16 see kids this is page number 16 लेटर स्टार्ट टू रीड द चैप्टर ओह लुक एट द फूट ओ लुक एट दूट फूड की तरफ देखो क्या हो गया बेटा फूड को टॉम सीन्स spill होता है बेटा फैला देना बिखेर देना टॉम स्पिल्स द फूट टॉम ने क्या कर, कर दिया बेटा टॉम ने फूड को स्पिल्स कर दिया मतलब कि उसको उसने फैला दिया देखो यहां पर पिक्चर में देखो टॉम स्पिल्स द फूड नेक्स्ट लाइन्स टॉम लुक्स एट द रूफ टॉम लुक्स एट द रूफ टॉम रूफ की तरफ देखता है देखो यहाँ पर ऊपर क्या है रूफ तो टॉम रूफ की तरफ देखता है अ स्पाइडर स्पाइडर मीन्स मकड़ी दिस इज अ स्पाइडर एम ए के ई एस मेक्स अ ल ऊप लोप अ स्पाइडर मेक्स अ लूप लूप मीन्स होता है बेटा जाला आपको पता है जो स्पाइडर होती है वो क्या बनाती है वो लूप बनाती है वो जाले बनाती है शायद आपने अपने घर पे कभी देखा हो कहीं पर जाला लगा हुआ लूप बना हुआ तो वो कौन बनाता है वो मकड़ी बनाती है स्पाइडर बनाती है तो यहाँ भी टॉम के रूम में स्पाइडर ने क्या किया एक लूप बना दिया स्पाइडर मेक्स अ लूप स्पाइडर एक लूप बनाती है नेक्स्ट लाइन्स देखिए बेटा द लूप इज एल ओ एस ई लूज लूज मीन्स खुला द लूप इज लूज ये जो स्पाइडर ने लूप बनाया है जाला बनाया है वो क्या है बेटा वो लूज है मतलब कि वो खुला हुआ है टॉम टी ए के ई एस टेक्स टेक मीन्स लेना अ ब ब्रूम सी किड्स दिस इज अ ब्रूम इट इज कॉल्ड ब्रूम क्या कहते हैं बेटे इसको ब्रूम सो टॉम टेक्स अ ब्रूम टॉम एक ब्रूम लेता है टॉम इज ऑन द स्टूल टॉम इज ऑन द स्टूल देखो टॉम कहाँ पर है अब टॉम स्टूल के ऊपर है टॉम डब्ल्यू आई पी ई एस वाइप्स वाइप्स मीन्स पहुँचना या साफ कर देना Tom wipes the loop with the broom. Tom wipes the loop with the broom. Tom broom के साथ loop को wipe कर देता है, मतलब कि इसको साफ कर देता है। देखो बेटा Tom के room में spider ने जो loop बनाया था, Tom ने इसको क्या कर दिया? Tom ने इसको wipe कर दिया, मतलब कि इसको साफ कर दिया। Okay kids, so this was lesson number six. Today we completed this chapter. Now you will do reading practice of this page, page number 16 Now let us see the practice work of this chapter. See kids, here is a some practice work of this chapter. Do it yourself. Do it, do it yourself ka matlab apne aap karo आपको यहाँ पर नीचे बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उनके ऑरली आंसर देनी है. Question number one, answer the following questions orally. देखो यहाँ पर आपको four questions हैं. आपने इन क्वेश्चन को रीड करना है और इनके आंसर देनी है नो नीड टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक इन क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है आपने इनके ऑरली ही आंसर देनी है ओके क्वेश्चन नंबर ए डब्ल्यू एच ई आर ई वियर वियर का मतलब होता है कहाँ वियर मीन्स कहाँ वियर इज द मून सी किस दिस इज द मून वेयर इज द मून लेसन में हमने रीड किया था बेटा मून कहाँ पर था इन द स्काई तो आंसर क्या होगा इसका इन द स्काई नेक्स्ट वट वट मीन्स क्या वट डज टॉम वॉन्ट वट डज टॉम वॉन्ट टॉम क्या चाहता है फूड तो इसका आंसर क्या आएगा फूड डब्ल्यू एच ओ हु मीन्स कौन हू मेक्स अ लूप लूप मीन्स जाला हू मेक्स अ लूप लूप कौन बनाता है स्पाइडर तो आप इसका आंसर क्या दोगे बेटा स्पाइडर डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर वियर मीन्स कहा वेयर मीन्स बेटा कहा वेयर आर द गीस वेयर आर द गीस गीस कहाँ पर हैं हमने चैप्टर में रीड किया था ना बेटा गीस के बारे में तो गीस कहाँ पर थी इन द पूल सो वेयर आर द गीस इन द पूल गीस पूल के अंदर है ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू चूज द करेक्ट वर्ड एज़ पर द गिवन टेक्स्ट एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यहाँ पर देखिए बेटा आपको नीचे कुछ सेंटेंसेज दिए गए हैं इसमें आपके टू ऑप्शन हैं आपने चेक करना है आपने चूज करना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है कौन सा वर्ड राइट है जो वर्ड राइट होगा उसके सामने आपने बॉक्स में टिक करना है ओके सेंटेंस नंबर ए द रूम इज़ हॉट और कूल तो आपने बताना है जो टॉम का रूम था बेटा वो हॉट था, था या फिर वो कूल था क्या था कूल सो वी विल टेक इन दिस बॉक्स द रूम इज कूल नेक्स्ट टॉम लिव्स नियर द स्कूल जू टॉम किसके नज़दीक रहता था बेटा जू के या फिर स्कूल के वो रहता था जू के नज़दीक सो यू विल टेक इन दिस बॉक्स टॉम लिव्स नियर जू नेक्स्ट द फूड इज ऑन द टेबल और स्टूल फूड कहाँ पर था, table के के था टेबल के ऊपर या स्टूल के ऊपर फूड था बेटा टेबल के ऊपर तो आप कहाँ पे टिक करोगे टेबल वर्ड के सामने नेक्स्ट द स्पून इज हॉट और कोल्ड स्पून क्या था बेटा हॉट था या फिर कोल्ड था स्पून था हॉट तो आप कहाँ पर टिक करोगे तो हॉट वाले बॉक्स में सो द स्पून इज़ हॉट नेक्स्ट डू यू नो सी किड्स हेयर इज अ फैक्ट फॉर यू अ स्पाइडर हैज एट लेग्स इट मेक्स अ लोप क्या आप जानते हो बेटा कि जो स्पाइडर होती है उसकी लेग्स कितनी होती हैं उसकी लेग्स होती हैं एट देखो यहाँ पर स्पाइडर आपको दिखाई गई है ना काउंट करो उसकी लेग्स कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो अ स्पाइडर हैज एट लेग्स जो स्पाइडर होती है बेटा उसकी एट लेग्स होती हैं इट मेक्स ए लोप और ये क्या बनाती है बेटा ये जाला बनाती है लोप मीन्स जला ओके किड्स So now you will you will do reading practice of page number 16 and then you will do practice of page number 17 now bye thank you